भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। साधु संत भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। इसी कड़ी में रामनगरी अयोध्या के साधु संतों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान संत महंतों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, तो वहीं साधु संतों के साथ विद्यालय और गुरुकुल के बच्चे भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। इस दौरान संतों की तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा हुई। वहीं राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास ने बताया कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के तहत अयोध्या के संत महंतों और विद्यालय मठ मंदिरों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। रामनगरी अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस तिरंगा यात्रा के मौके पर राम वल्लभा कुंज की अधिकारी राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी के पुजारी व रामकोट वार्ड के पार्षद रमेश दास, जगतगुरु रामदिनेश आचार्य कृपालु जी महाराज के साथ अयोध्या के कई संत महंत मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। राष्ट्र ध्वज तिरंगा यात्रा के स्वरूप में आज श्री धाम अयोध्या के पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में विभिन्न विद्यालयों गुरुकुलों के बच्चे और यहाँ के निवासी सदगृहस्थ बंधु के मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक जो ध्वज है, उसकी यात्रा जो कि ये 75वीं वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो अयोध्या ने पूरे देश को मानवता और राष्ट्र धर्म के सूत्र दिए हैं, दिशा दिया है। इसलिए अयोध्या के साधु संतों के मन में भी ये संकल्प जागृत हुआ और पूज्य महापुरुषों के सानिध्य में तिरंगा यात्रा नया घाट से टेढ़ी बाजार चौराहे तक हम लोग जाएंगे और पुनः वापस आएंगे। एक प्रसिद्ध शायर हुए हैं, उनकी पंक्तियां हैं, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, बता दो सभी को न दंगा रहेगा, हमें बांटते ऐसे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पर तिरंगा रहेगा। भारत माता की।